हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्यारा सा गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी के बज रहे 6:30 और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि निशा और ममता के स्कूल में नवरात्रि का सेलिब्रेशन था तो उनको भी तैयार करना था। सो लेट्स सी वो क्या कर रहे हैं। आज तो श्लोक भी उठ गया जल्दी, यूजली वो नहीं जाता सैटरडे के दिन। सो चलो नीचे जाकर चेक करते किचन में कौन कौन है, क्योंकि अभी मैं उठी हूँ तो पहले पीऊँगी चाय। तो मैंने चाय गरम की और थोड़ी देर में पापा और दादी आ गए। चाय पी दी और अब दादी हम दोनों को दे रही है चाय। परसा पी वाली है, सर पी वाली है, अमन दे रही परसा रो पर रात को पकड़ेगा। ये रहे दादी और पोता। श्लोक ने भी बहुत अच्छी शेरवानी डाली है और बहुत क्यूट लग रहा है, वो भी नवरात्रि के लिए रेडी हो गया। और ये रही विजु, बहुत ही क्यूट लग रही थी, इसने भी बहुत अच्छी चनिया चोली पहन जा। विजु, तुझे किसने तैयार किया? बहुत ही अच्छी लग रही हो। और यहाँ पे निशा भी रेडी हो रही है और पापा नाश्ता कर रहे हैं और ये लोग चले गए स्कूल। और हाँ, आप सभी को भी नवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। और आज नवरात्रि का छठा नौरता है तो आज हम सब भी गरबा खेलने के लिए जाएंगे। मैं, मम्मी, मेरी छोटी बहन, हम सब लोग जाएंगे। तो व्लॉग एंड तक देखिएगा फिर के बाद, क्योंकि अब मैं मुझे बहुत सारा काम है, अभी खाना भी बनाना है, बहुत सी मतलब घर का। आपको एज यूजुअल पता ही है कि मैं घर का काम करती रहती हूँ, मम्मी को हेल्प करती हूँ और सभी लड़कियों को करना ही चाहिए। और ममता और निशा भी आपने जैसा देखा स्कूल के लिए निकल गई है। सो चलो अब मैं और दीदी और मम्मी घर पे अकेले, उनके स्कूल में नवरात्रि सेलिब्रेशन है आज। सो वो सेलिब्रेट करने के थे तो श्लोक और निशा और अच्छे से रेडी होके गए सेलिब्रेशन करने। मैंने मेरा सारा काम भी ख़त्म कर लिया है और अब मैं जाके फटाफट से खाना खाऊँगी। और एक चुन्नी है जिसमें एक स्टोन भी लगाने है, रात को चनिया चोली पहननी है। तो ये इसका दुपट्टा है, यहाँ पे इस तरीके की ये लगाने के बाकी है। तो मैं पहले खाना खा के आ जाती हूँ, बाद में इसको लगाती हूँ मैं। और आज खाने में दाल और रोटी। सो अभी के बज रहे 2:30 और निशा यहाँ पे सो गई है और श्लोक भी टीवी देख रहा है। सो चलो अभी मैं इस दुपट्टे को ये झुमके लगाने बैठ गई हूँ। और आज मेरी इस एलियन को देखने की इच्छा ख़त्म हो चुकी। ये रहा एलियन, आई वॉज जस्ट किडिंग। चलो सो फटाफट से मैं वापस से काम करने बैठ गई। मैंने ऑलमोस्ट ये सभी लगा दिए झुमके और अभी मुझे एक गाना याद आएगा। मैंने यहाँ पे लगा दिए, अच्छे लग रहे हैं ना। सो अभी दूसरी साइड की दुपट्टे की बाकी है, अभी इतने बाकी है, इस साइड को लगा। दिन का चैन रातों की नींद चुराई है, लगता है दिल तेरी शामत आई है, हमको खबर अब है कहाँ जाने, यहाँ हो रहा है क्या, जब से मिले हो तुम मुझे बन गए हो तुम ही जहाँ। और ये मैंने मेरा वर्क भी ख़त्म कर दिया, अच्छे से झुमके लगा दिए। सो अभी के बज रहे 4 और 4 मुझे पीनी होती है चाय। सो चलो फटाफट से जाके चाय पीकर आती हूँ। और ये रहा मेरा भाई पागलपंती करते हुए। बट बहुत क्यूट है। सो 4 बज चुके हैं और अब जाके मैं नहाऊंगी, चाय भी पी ली और मेरा जो चुन्नी का काम था, जो झुमके लटकाने थे, वो भी मैंने कर दी। तो चलो फटाफट से जाके मैं नहा के आपके मिलती हूँ, क्योंकि आज नवरात्रि है, मैंने हेयर में ऑयल भी लगाया हुआ है। सो अच्छे से हेयर वॉश भी करना है। सो अभी मैंने जस्ट नहा लिया है और यहाँ पे मेरे स्टूडेंट भी आए हुए हैं और अभी मैं ट्यूशन ले रही हूँ।
सो अभी इतने कुछ बच्चे आए हुए हैं, सो बाकी के आने अभी बाकी है। सो मैं मिलती हूँ इन सब लोगों का ट्यूशन ख़त्म करके शाम को रेडी होने के टाइम, खाना खाने के टाइम मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। सो अभी शाम का वक्त हो रहा है और मैंने मेरा ट्यूशन भी ख़त्म कर दिया। अभी मैं कुछ स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, तो मैं लेने के लिए जा रही हूँ मैगी का मसाला। मैं निकल पड़ी हूँ मैगी का मसाला लेने के लिए सुपरमार्केट की ओर। ये आ गए फिर से। पानी कैसा लगा? तो आज मैं बना रही हूँ खाने में मैगी की रोटी। सो पहले रोटी को रोल किया और बाद में अच्छे से सीजर से कट कर लिया इनको, मतलब पतली पतली जैसे मैगी होती है ना, उससे इस तरीके से कट किया। और अब सारी रोटी को इस तरीके से कट करके रख देंगे। और उसके बाद मिर्ची भी कट करके रखी थी, और पैन में थोड़ा डाला तेल, और फटाफट से मैं बना देती हूँ मेरी स्पेशल रेसिपी रोटी की मैगी, क्योंकि बहुत सारी रोटियां बची हुई थी तो बाहर तो कैसे जाने देते। सो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ये ट्राई करके देख देते हैं। बट ये बनी थी तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी बनी हुई थी, तो चलो बनने देते इसको। डाली मिर्ची और धनिया पाउडर और हल्दी और सब मसाले मैंने बहुत ही ज़्यादा डाल दिए थे। और लास्ट में हमारा स्पेशल जो मैगी का मसाला, जिससे ही इसमें मैगी का टेस्ट आएगा। और इसको ढक्कन लगा के हम थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे, और अब देखते हैं खाने वालों का रिएक्शन कैसा है। शब्द नहीं है इस डिश के लिए। और अब खाना वाना हो गया है, तो चलो फटाफट से जल्दी से रेडी होती हूँ। सो अभी पापा भी दुकान से आ गए हैं, सो चलो हम फटाफट से जाते हैं गरबा खेलने के लिए। और हम आ गए गरबा चौक में। सो चलो इतने शोर में मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी, तो आप इंजॉय करिए।
बाद खाई पानी पूरी और पानी पूरी खाने के बाद हम निकल पड़े घर की ओर। मैं बाइक तो मैं घर पे आ गई हूँ और अब मैं फटाफट से चेंज करूँगी, मेकअप रिमूव करूँगी अच्छे से। तो चलो फटाफट से मैं मेकअप रिमूव करके आपको मिलती हूँ। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। सो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। सो मिलती हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, गुड नाइट।